हॅलो एव्हरी वन, वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग चॅनल. इट्स अश्वरा बसली आल्या. होप यू ऑल आर डुईंग ग्रेट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थँक यू टू एव्हरी वन हू हॅव सबस्क्राईब माय चॅनल. आय हॅव कम्प्लीटेड माय 1K. टुडे इज 3rd October और अक्टूबर में MUJ में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, तो मैं सोच रही हूँ एक दो इवेंट्स को कंबाइन करके एक व्लॉग बना दूँ. आज है गरबा नाइट, सो लेट्स गेट रेडी और चलते हैं नीचे. आई एम रेडी नाउ और अब चलते हैं फ्रेंड्स के रूम में. वहाँ से हम सब जाएंगे नीचे, तब हम आपको दिखाते हैं MUJ इज गरबा नाइट. लेट्स गो. सो इट्स अ नेक्स्ट डे. सॉरी मैं गरबा नाइट में ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि वह बहुत ज़्यादा क्राउड था और हम लोगों ने इन्जॉय डांस वगैरह भी बहुत करा है, तो उसमें शूट नहीं हो पाता है. सो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं 1K में रूम टूर दूँगी अपने रूम का, सो हेयर इट इज़. और हम लोगों ने अपने रूम में जो जो सामान ऑनलाइन बाय करके लगा रखा है उन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिसको अगर कुछ सामान चाहिए हो यू कैन बाय फ्रॉम दैट लिंक. लेट्स स्टार्ट द रूम टूर. सबसे पहले तो ये है हमारा मेन डोर जिसमें हमने हैंगिंग के लिए ये लगा रखा है अगर कपड़े वगैरह टांगने हो. इस साइड हमारे 2 कबर्ड, ये हमारा फुल साइज मिरर, इस साइड हमने ऊपर बैग्स वगैरह रखे हुए अपने. ये हमारा वॉशरूम डोर. ये है हमारी एंट्रेंस. और रूम की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सबको सजेस्ट करूंगी कि पहले आप लोग जाके हॉस्टल रूम 2 देख लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा हमारे रूम का बेसिक लेआउट क्या है और हम लोगों ने जो चेंजेस करे हुए हैं शिफ्टिंग वगैरह और डेकोरेशन वगैरह, फिर मैं आपको वो दिखाती हूँ. वॉल जिसमें हमने लगा रखी है टेपेस्ट्री, साथ ही हमारी सामने वाली वॉल जिसमें हमने सेंटर में तो लगा रखे हैं ग्रीन लीव्स और गुड वाइब्स, ये दोनों चीज़ ऑनलाइन बाय करी हुई है. उसके इस साइड है, ये है मेरा ग्रीन बोर्ड जो हाफ डेकोरेटेड है और हाफ इनकम्प्लीट है, इसको मुझे अभी कम्प्लीट करना है. सबसे ऊपर मैंने लगा रखा है फ्लैग जो कि मैंने ऋषिकेश लोकल मार्केट से खरीदा है. नीचे मैंने ये ट्रैवल फ्लाई और एस्केप लिखा हुआ है जो कि मेरी अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट है. उसकी बगल में ये है फोटोग्राफ जो कि मेरी खुद की फोटोग्राफ्स है और जो मैंने क्लिक करी हुई है वो सारी, और जो मुझे पसंद है वो सारी चीज़ें. उसके बगल में यह है मेरा वर्किंग टीम का कार्ड जो मैंने अभी रिसेंटली में करा था एक, और यह है मेरे ग्रीन बोर्ड का क्लोजअप समथिंग लाइक दिस. उसके बाद मैं आती हूँ अपने रूममेट वाले ग्रीन बोर्ड में, यहाँ उससे अपनी फोटोग्राफ्स वगैरह लगा रखी है, पोस्टर्स वगैरह लगा रखी है. उसके बाद मैं आती हूँ इस पर, यह हमने हम दोनों के हाथ का प्रिंट है. और फिर आती हूँ मैं अपने 3rd वॉल पर, ये जितने भी पोस्टर्स हैं ये ऑनलाइन बाय करे हुए हैं, ये बैग्स वगैरह तो मेरी रूममेट्स के ही है. बाकी ये है मेरा बैडमिंटन. उसके बाद जो ये ऊपर है ये हमारे रूम पे पहले से लगा हुआ आया था, और जो ये लीव्स है ये तो वही कंटिन्यू वाली लीव्स है जो हमने इस साइड भी लगा रखी है. ये है पोस्टर्स जो हमने ऑनलाइन बाय करे थे, और जो ये सब है ये भी हमने ऑनलाइन बाय करा हुआ है. और ये है ड्रीम कैचर, बहुत ज़्यादा कैच हो रहे हैं मेरे ड्रीम, बस क्या बताऊँ मैं. उसके बाद आते हैं इसी वॉल को कंटिन्यू करते हुए, ये हमारी रूम की विंडो, इससे काफ़ी प्यारा व्यू है जो कि मैं आपको दिखाती हूँ अभी. हमारे रूम से आता है डोम बिल्डिंग का व्यू. सी, मुझे अपने रूम का बेस्ट पार्ट लगता है विंडो व्यू, जैसे कि आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है. ये सामने डोम बिल्डिंग है, इस साइड हमारी क्लासेस वगैरह चलती है, और ये अभी काफ़ी भीड़ हो रही है क्योंकि अभी क्लासेस ओवर हुई है बच्चों की. बैक टू रूम, और अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारे रूम के बेड किस साइड है और जो सेंट्रल टेबल है वो हमने किस साइड रखी हुई है.
ये है हमारे बेड, हमने अपने बेड्स को इस साइड ज्वाइन करा हुआ है। एक तो डबल बेड बन जाता है, काफ़ी स्पेशियस हो जाता है। जो नीचे वाली स्पेस है इसके बैक साइड में तो हमने वहाँ पर जो भी बॉक्स वगैरह होते हैं सामान के वो रखा है, और जो आगे वाले बॉक्स है इसमें हमने एक लॉन्ड्री बॉक्स बना रखा है, और एक है हमारे शू वाले बॉक्स जिसमें हमने अपनी सारे शूज सैंडल वगैरह रखे हुए हैं। इस साइड ये है हमारा सेंट्रल टेबल। अपने हॉस्टल रूम टूर वाले में देखा होगा जो सेंटर में था बेड्स इस साइड थे, तो हमने बिल्कुल चेंज करा हुआ है, हमने इस साइड रखा हुआ है। यहाँ नीचे हम स्टोरेज वाला सामान रख देते हैं अपना। सामने मेरा लैपटॉप है, ये यूकेलेले है। इसके बाद मैं आती हूँ सामने वाली साइड जो कि है स्टडी टेबल। ये है मेरी रूममेट साइड वाला स्टडी टेबल जो कि उसने पूरा डेकोरेट करा हुआ है, काफ़ी कलरफुल सा है। और ये जितने भी ये ड्राइंग्स वगैरह ये उसने सब खुद ड्रॉ करी हुई है, उसको क्राफ्ट का बहुत ज़्यादा शौक है। इस साइड उसने ये मंगवाया था स्टैंड, इसको उसने अच्छे से डेकोरेट करा हुआ है गॉगल्स वगैरह और अपनी फ़ोटोज से। इस साइड वो सारी जितनी भी चीज़ें होती है पेंस वगैरह उस साइड, बाकी जो ये ऊपर वाला बुक्स वगैरह है। और इस साइड हम अपना सामान वगैरह रखते हैं जो भी मतलब हमारा एक्स्ट्रा सामान और बुक्स वगैरह रहती है। बीच में हमारे रूम पे ये है सरस्वती माता जो कि हमें पढ़ाई करने में मदद करे। इसके इस साइड ये है लाइट, इसको मैं जला के दिखाऊंगी। मेरे रूम में बहुत सारी लाइट्स अभी मैं आपको सारी जला के दिखाऊंगी, और वो कहाँ कहाँ से बाय करी है वो भी बता दूंगी। ये है मेरा स्टडी टेबल, मैं काफ़ी सिंपल रखती हूँ। ये है मेरा ग्रीन बोर्ड जहाँ मैंने नेक पीस वगैरह थोड़े ब्रेसलेट वगैरह लगा रखे हैं। और ये हाय आई एम ब्लॉगर, और इसके नीचे ये तो शायद दिख ही नहीं रहा है अंधेरे में, शायद अब दिख रहा होगा। तो ये मेरी ही पेक है, मुझे काफ़ी पसंद है तो ये मैंने यहाँ पर लगा रखी है। बाकी मैं अपनी की रिंग वगैरह कार्ड्स वगैरह और जो भी नोट्स वगैरह होती है वो सब मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। ये मैंने यहाँ पर एक स्टार लगा रखा है क्योंकि मुझे पसंद है। और ये यहाँ पर मैंने ऐसी अपने फ्रेंड्स का फोटो फ्रेम वगैरह जो उन्होंने मुझे दिया था वो सब लगा रखा है। ये मेरी फ्रेंड ने मेरे को गिफ्ट करा था। आइए मैं अपना थोड़ा सिंपल सा ऐसा रखती हूँ। बाकी बुक्स वगैरह मैं इस साइड रखती हूँ अपनी, और इस साइड मैं अपना थोड़ा डेली यूज़ का सामान वगैरह रखती हूँ। सो ये था मेरे रूम का रूम टूर। और अभी एक चीज़ बचती है, वो है लाइटनिंग जो कि मैंने दिखाई नहीं है, और वो मेरे रूम की बहुत अच्छी है। जो ये लाइट्स वगैरह मैंने आपको अभी बताई थी तो वो सब भी मैं आपको जला के दिखाती हूँ। काफ़ी सुंदर लगता है हमारा रूम, जैसा अगर हम नाइट में कभी ऐसी वाइब वगैरह के लिए सॉन्ग्स वगैरह चलाना हो, थोड़ा चिल करना हो, तो उसके लिए काफ़ी सुंदर लगता है। हमारे रूम की लाइटनिंग लेट मी शो यू। ये जो पिंक वाली लाइट है ये पूरी ऊपर से जाती है, और इस साइड ये है गोल्डन वाली लाइट्स। ये हमने फेरी लाइट्स वगैरह ये सारी ऑनलाइन ऑर्डर करी हुई है, मैं इन सबका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जिसको भी है बाय करना हो यू कैन बाय इट एंड डेकोरेट योर रूम लाइक दिस। के बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली लाइट, अब मैं आपको इसका दिखाती हूँ कि इसका रिफ्लेक्शन कैसा आता है। लाइटिंग से मैं काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड दे सकती हूँ फोटोग्राफ वगैरह के लिए, जैसे कि आप देख रहे हो मैं किस साइड भी मूव कर सकती हूँ। इसमें काफ़ी कलर चेंजिंग का ऑप्शन है, एक ही चाहिए वो भी हो सकता है। सो ये थी हमारे रूम। तो ये था मेरे रूम का कंप्लीट रूम टूर, होप यू लाइक इट। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी हमारे कॉलेज की सबसे बड़ी फेस्ट आ रही है, सो डू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, कीप चेकिंग माई स्टोरीज, आई एम पोस्टिंग अपडेट देयर। और उस फेस्ट के ऊपर मैं एक अलग से प्रॉपर ब्लॉग बनाऊंगी, और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कैप्चर एवरी इवेंट। और करते हैं इस ब्लॉग को एंड, होप यू लाइक माई ब्लॉग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में जल्दी। बाय बाय।